हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स इस्ना देवतपाल ब्लॉग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है 3:25, यानी 3:30 होने वाले हैं और आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अब से। तो फ्रेंड्स, मैंने शूट किया था 3 जुलाई को, मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी। उसके बाद मैं अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी मैं, बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। और उसके बाद जो है मेरी तबीयत भी डाउन हो गई थी। और वहाँ से आने के बाद तो देखिए, किसी भी जर्नी हम करते नहीं हैं, इतनी ज़्यादा लॉन्ग जर्नी हम नहीं करते हैं। बट जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि जो मेरी जेठानी का छोटा बेटा है, बहुत ही मन्नतों से हुआ है, तो उनकी उन्होंने कहा था कि भाई सारी फैमिली चले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस वजह से फ्रेंड चले गए थे हम। और मतलब कोइंसिडेंसली मेरा जो बर्थडे था ना, उसी टाइम पर आया था। यानी हम 17 को चले थे और 18 को हमने वहाँ पर दर्शन किए थे, और 19 को फिर से मॉर्निंग में दोबारा हमने मतलब ख़रीदारी कुछ नहीं की थी। तो हमने सोचा कि भाई ख़रीदारी भी कर लेंगे और माथा भी अपना टेक लेंगे वहाँ तो दरगाह पे। तो मतलब इतना अच्छा मुझे वो दिन लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा मना कर रही थी, मैंने बिल्कुल भी जाने का नहीं सोचा था। और एकदम से मेरा प्लान बना। मतलब होता है ना कि वो जो बुलाता है उसको, तो उसके तो दरबार में हाजिर होना ही पड़ता है, जितना मर्जी आप मना कीजिए। तो 19 जुलाई की मॉर्निंग में 7:30 या 8 के अराउंड मैंने दरगाह पे माथा टेका था। और मुझे आप यकीन मानिएगा, इतना अच्छा लगा था कि मतलब क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, वर्डिंग में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ मैं। चलिए, वहाँ के दर्शन मैंने कर लिए, वहाँ का हमारा घूमना फिरना भी हो गया। और उससे आगे हम गए थे पुष्कर जी। तो पुष्कर जी में हमें ऐसा है कि जो लोग फर्स्ट टाइम जाएंगे वहाँ पे, तो मतलब उनको जो वहाँ के लोग हैं ना, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, माइंड उनका घुमा देते हैं। तो हमने कहा उनको पुष्कर जी लेके चलिए। 3 हमने वैन कराई क्योंकि जॉइंट फैमिली गई थी, हमारी पूरी जॉइंट फैमिली है तो जो 21-22 लोगों की है, तो पूरी जॉइंट फैमिली के लिए हमने 3 वैन करवाई थी। 3 वैन करने के बाद हम जब हम वहाँ गए तो हमें पुष्कर जी मंदिर में नहीं उतारा गया, हमें किसी और जगह उतार दिया गया। तो फाइनली जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं, जो कुछ है उनमें इतना ज़्यादा माइंड होता है, उन्हें पता होता है कौन कहाँ से आया है और उनको कहाँ से क्या अपना चक्कर चला के उनके कहाँ कहाँ उनको लेके जाना है। तो फ्रेंड्स, वही लोग जाएं जो इन लोगों को सब कुछ पता हो वहाँ का। एक ऐसा इंसान तो ज़रूर जाए कि उसको सारा पता हो, सब कुछ जिसको पता होगा ना, तो वो ज़्यादा मतलब वो क्या बोलते हैं, हमको माइंड उन्होंने बिल्कुल घुमा दिया था हमारा। फिर हस्बैंड वगैरह गुस्सा करने लगे कि भाई जहाँ हमने बोला था वहाँ आपने क्यों नहीं उतारा। और वहाँ काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। आजा तुम यार, ये मेरी जेठानी की लड़की है, देखिए। हाँ तो बेटा बताओ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे महाराणा प्रताप का एक घोड़ा आया था ना घोड़ा, जिसमें ऐसे सारे लोग फ़ोटो खिंचा रहे थे वहाँ रास्ते में, देखा था ना। एक्चुअली क्या ना, मैंने आपको बताया कि मुझे वॉमिटिंग होती है, इस वजह से ही मैं नहीं जा रही थी। हाँ, ट्रेन में मुझे वॉमिटिंग नहीं होती है, मुझे बस देख के या वैन देख के बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है। तो क्या हुआ, हम जब वैन में बैठे तो उससे पहले क्या हुआ, हम चले गए, कहाँ गए थे, हम खाना खाने गए थे, है ना। तो बच्चों को भूख लग रही थी, भूख मुझे भी लग रही थी, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि हम वैन में बैठेंगे। अगर मुझे पता होता मैं एक बाइट भी नहीं खाती। तो बस ऐसा ही हुआ, हमने क्या किया, मतलब खाना खा लिया हमने होटल में। और वहाँ से उन्होंने बोला कि वैन में चलेंगे पुष्कर जी, ज़्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर का ही रास्ता है, अजमेर से 10-12 किलोमीटर का रास्ता है। जब मैंने सुना कि अजमेर से 10-12 किलोमीटर जाना है, वो भी वैन में जाना है, मैंने सोचा भाई रिसना, अब तो तू गई, अब तो तेरा काम ख़त्म हो गया। और वही मेरे साथ हुआ, मैंने बहुत कंट्रोल किया बट मेरा ना बस फलूदा बाहर आ गया।
मैंने ना वैन वाले भैया की वैन ही मैंने सारी ख़राब कर दी उनकी, और उन्होंने फिर भी उनके अंदर पेशेंस था, बहुत पेशेंस था उनके अंदर। उन्होंने कहा मैडम आप कर लीजिए, मैं चला रहा हूँ, हाँ बस बाहर देख के करिएगा कोई गाड़ी वगैरह ना आए। तो गाड़ी जो थी वो पीछे हमारी ही दो वैन थी जो जिसमें मेरे जेठ जेठानी बाकी फैमिली मेम्बर बैठे थे। तो मैंने वहाँ पे जैसे मर्जी करके अपना, मेरा मन हल्का हुआ। और दूसरी बात ये था कि वहाँ से जब हम वहाँ से दर्शन करके आए, हमको जब ये लेके चले गए वैन वाले, हमने मंदिर में बोला कि हमको मंदिर जाना था और आपने हमें कहाँ उतार दिया। उन्होंने एक्चुअली ना हमको घूमने फिरने वाली जगह उतार दिया था कि पहले इनको घुमाएंगे ये वो। तो हस्बैंड ने बोला कि नहीं, पहले तो हमको दर्शन करने हैं, पुष्कर जी मंदिर के आप दर्शन करवाइए पहले, उसके बाद हम चलेंगे। अच्छा जी, हम वहाँ से दर्शन करने के बाद जब आए तो वहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, लेकिन उन लोगों ने सीधा हमें होटल में ही उतार दिया। हस्बैंड बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए, सही बात है, देखिए बार बार नहीं आए। और मेरे जैसा इंसान जिस जो इतने बहुत मुश्किल से, मतलब मेरा जाना होता है, मेरे से बिल्कुल भी मेरे से ट्रैवलिंग नहीं होती है। हाँ ट्रेन में अगर कहीं जाएँ तो बिल्कुल आराम से मैं चली जाऊँ, बट मैं वैन या बस में बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं कर सकती हूँ। तो वही बात है कि उन्होंने हमको होटल में उतार दिया, बहुत बेकार सा हमको लगा कि भाई कुछ भी नहीं देखा हमने पुष्कर जी में, कुछ देखा, कुछ भी नहीं देखा फ्रेंड्स। और जो लोग पुष्कर जी गए हैं प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन पुष्कर जी गए हैं। तो हमारे साथ तो ऐसा ही हुआ। तो वहाँ अजमेर में दो चार, मतलब हमने ज़्यादा सामान नहीं खरीदा, दो चार अभी छोटा सा, तो मैं आपको ये छोटा सा सामान है जो मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्यूट लगा, मैंने ये ले लिया था, ये देखिए बहुत ही मुझे प्यारा लगा, वहाँ पे रखा हुआ ये। तो मैंने ये वहाँ से अपने हस्बैंड को बोला ये मुझे चाहिए शो पीस, तो ये ले लिया वहाँ से। मैंने पर्स लिया, खरीदारी हमने करी थी, मतलब काफ़ी हमने इतनी खरीदारी नहीं करी थी, मतलब छोटा मोटा सामान जो था वो हमने खरीदा था वहाँ से। तो देखिए कहीं अगर हम जाते हैं ना तो मतलब अराउंड 1 वीक तो आपको चाहिए, अगर आप कहीं अच्छे से घूमते हो तो 1 वीक आपको चाहिए, विद फैमिली अगर आप जाते हैं तो अच्छे से घूमने चाहिए, घूमना चाहिए। तो फ्रेंड्स वहाँ से आने के बाद जो हालत ख़राब हुई ना, तो मैं इस वजह से मैं आप अपलोड नहीं कर पाई वीडियो, और आज भी मेरा मतलब गला मेरा इतना ठीक नहीं है। अभी आप देख सकते, मैं जैसे ही सुबह मॉर्निंग में तो मैं आज नहीं नहाई, आज हमारा पानी का बहुत इशू था, पानी का इशू होने की वजह से 12 बजे पानी आया है, उसके बाद मैंने काम स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने नहा धो के बस हिम्मत नहीं रही, फिर मैं लेट गई और अब आपके सामने वीडियो बना रही हूँ। अभी 4 बजने वाले हैं, तो ये देखिए मैंने अपना हेड वॉश किया था, बस हेड वॉश करके ही मैं सो गई। आजा काकी इधर आजा, हेड वॉश करके ही मैं सो गई। तो देखिए अभी दोनों बच्चे मेरे बाहर गए हैं, अभी ये आई थी जेठानी की लड़की छोटी, काकी बोलते हैं, रीति का नाम है इसका। तो इसने बोला चाची आपके कपड़े बाहर गीले हो रहे हैं, मैंने कहा अभी मैंने धो के ही डाले हैं, कोई बात नहीं गीले ही हैं वो। तो ये बताने आई है, हमारे पास ही रहती है थोड़ा सा इंजॉय करती है बच्चों के साथ, तो मैं अपना काम धाम में लगी रहती हूँ। तो फ्रेंड्स इस वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ा सा नीचे कर दूँ, इस वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। अब टाइम होने वाला है 4 बजे का, तो अब मैं बनाऊंगी चाय और लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी अपने, और लड्डू गोपाल जी को भी अपना उनको भोग लगाऊंगी। और फ्रेंड्स लड्डू गोपाल जी को मैं अपनी सिस्टर के पास छोड़ के गई थी, मैं उनको यहाँ नहीं छोड़ के गई थी, लड्डू गोपाल जी को अकेले नहीं छोड़ के गई थी, मैं अपनी सिस्टर के पास गई थी, और इनके जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भी मेरे सिस्टर के पास ही थे। बहुत मुझे फील हुआ था कि मैं उनको लेके नहीं गई, लेकिन देखिए ज्वाइंट फैमिली के साथ गई थी और कोई अपनी गाड़ी नहीं करवाई थी कि जिसमें मैं आराम से उनको लेके जा सकूँ, क्योंकि हम गए थे ट्रेन में, फिर आगे वहाँ से ऑटो करवाया, आगे वैन करवाई, ऐसे इस वजह से मैं उन्हें लेके नहीं गई थी। मैं लड्डू गोपाल जी को अपनी सिस्टर के पास छोड़ के गई थी, क्योंकि उन्होंने, हो सकता है उन्होंने 2 दिन तक उनकी सेवा लेनी हो, इस वजह से वो उनके पास ही गए, और इनके लड्डू गोपाल जी भी उनके पास गए। तो दोनों भाइयों ने पहले से ही प्लानिंग की हुई थी कि हमने मासी के पास जाना है, मम्मा जाएंगे मत्था टेकने वहाँ पे, और फिर हम अपने मासी के पास जाएंगे। तो ऐसे ही मतलब अपने मन को शांति मिलती है, मैं अकेला कभी भी नहीं छोड़ के जा सकती हूँ उनको,
और इधर उधर कहीं मैं इधर उधर दुकान या मार्केट गई, तब तो बच्चे होते हैं घर में, जैसे लॉक लगा हुआ हो तब आपको लड्डू गोपाल जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, आप अपने साथ लेके जाइए या उनका अरेंजमेंट पहले कहीं करके जाइए। तो फ्रेंड्स चलिए अब चाय बना लेते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी उठा लेते हैं, उनको मैंने सुलाया हुआ है, अब मैं उनको उठाऊंगी और उनको दूध का भोग लगाऊंगी। गाइस चाय मेरी हो चुकी है रेडी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया बहुत ही अच्छा कलर आया, देख सकते हैं आप, ज़्यादा करूँगी तो गिर जाएगी चाय। तो इसके साथ मैं बस एक या दो रस खाऊंगी, ये रस लिए हैं मैंने। तो फ्रेंड्स मैंने आज जो आप लोगों को बताया उसमें पता ही नहीं लगा वीडियो कितनी लेंथी हो गई है, तो इस वीडियो का एंड मैं यही करती हूँ। मतलब थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि अजमेर की जो जर्नी थी उसमें कैसे कैसे क्या क्या हुआ हमारे साथ, क्या एक्सपीरियंस रहा मेरा अजमेर जाने का, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको बताया है। बाकी शेयर करूँगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ मैं शेयर करूँगी, तो ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा बहुत जो मैं सामान लेके आई हूँ वो शेयर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी क्या लेके आई थी मैं, क्या नहीं लेके आई, एक शो पीस मैंने जस्ट आपको दिखाया है। गाइस अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ में ही जो बेल आइकन आता है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।